आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अक्षय कुमार सर की मूवी का एक ट्रेलर आउट हुआ था कल, लेकिन हम आज देखने जा रहे हैं। और कौन सा ट्रेलर बताएंगे मौजा? टाइटल है रक्षा बंधन। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया है आनंद एल राय ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है जी स्टूडियोज, आनंद एल राय और अलका हिरानंदानी। और स्टार कास्ट में एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि अक्षय कुमार सर हैं और साथ में भूमि पद्मनेकर हैं, शहीद जमीन कौर हैं, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब, स्मृति श्रीकांत और इसके अलावा सीमा पावा हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल के लिए कोई स्ट्रगल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बचपन से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे से शादी करने की, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बहनों के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। बताओ बारात कब लाओगे मेरे घर? जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी? मेरे बाबा ले लो, छोड़ ले रहा हूँ। कमीनी, सुबह को भी शाम को भी तेरी करूँ मैं जय जयकार जी। क्या गारंटी है कि आपके गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा? 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे देंगे। सालों से इंतजार कर रही है तू इस आदमी का? कभी अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी होगी? खुद तो अपनी माँ को वचन देके मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया और मेरे को बना दिया साला जटायु। 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा है। 4 महीने डिस्काउंट तो बनता है। जो वैरायटी लेके आयो ना, कमीशन डबल बनता है। कौन सा बैंक लूट के लाऊंगा? एक बहन होती तो कुछ कर भी लेता, यहाँ तो 4 हैं। कुत्ते गए हैं बेटा। ओ मेरा काम डन कर दो एक बार जी। मुझे पसंद है लड़का, ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी से। कबाड़ी वाला है वो। मेरी लुगाई? 8 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। अब नहीं रुकूंगा मैं, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास। भाई साहब, इस देश के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है, और बस इस उम्मीद में कि वो छाती ठोक कर उसे विदा कर सके, उसका बाप भाई अपनी हड्डियां गला रहा है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया। मेरी और इन 3 लड़कियों की किस्मत में कुछ कमी है। बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं। जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। तेरे साथ हूं मैं। दुकान गिरवी रख दी। मेरी शादी के लिए ये क्या? इन तीनों के लिए क्या करोगे? 2-2 किडनी है, एक बेच दूंगा। ट्रेलर के स्टार्ट की जो एक कोटेशन लिखी हुई थी ना, वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी लगी। नो डाउट यार, समटाइम्स जो है ना, एक सुपर हीरो होने से बेहतर है कि आप जो है ना एक अच्छे भाई बन जाएं। वो अब बहुत सारे जो है ना आपके मसले जो है ना सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक ट्रेलर जो है ना वो बहुत क्लियर मैसेज एक दे रहा है, और बहुत ही, मैं कहूंगी कि अच्छे तरीके से इसमें डिपिक्ट किया गया है सोशल इशू को, कि बेसिकली जब लड़कियों की शादी होती है तो उसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स किस किस तरह की आती है। और अगर लड़कियों की शादी नहीं, मैं जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो जब उनकी शादी का टाइम पास आ रहा होता है, लड़कियां पैदा होती थी तभी प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हारी बात नहीं कर रही, मुझे पता तुम ऐसा नहीं सोचते, बट यूजली लोगों का इस तरह का एक माइंडसेट होता है कि जी लड़की पैदा हुई है, साथ में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि लड़की पैदा है, मुंह बन गए, फलाना ढमकाना खा रहे। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, तो उनके बारे में ज्यादा बात करके अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ आज की वीडियो का, आज के ट्रेलर का। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी स्टोरी लाइन में कि ना, मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी, मैं कहूंगी कि 90s की मूवी का अगर आपको कि उस तरह का टेस्ट मुझे मिल रहा था इसमें, जिसमें रिश्तों के बारे में डिस्कस किया गया था, इसमें
मुझे बहुत सारे इमोशंस नजर आए हैं, मतलब बड़े भाई का और बाकी जो बहनों की बॉन्डिंग है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है और जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं उन सबको बीच में दिखाया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर ये मूवी हमें बहुत ज्यादा हंसाएगी भी और बहुत ज्यादा रुलाएगी भी, और ये भी सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। यार बाकी अगर मूवीज की फील्स की बात करें ना, क्योंकि जो है ना एक जो हम आजकल टिपिकल मूवीज से कहेंगे जो रोमांटिक होती है या इस तरह की, उससे काफी ज्यादा जो है ना डिफरेंट आपको जो है ये आपको देखने को मिला। हाँ। एक टॉपिक जो है इस तरह का है कि आप जो है बहुत सारे इसमें ऐसे इमोशंस होंगे जो आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने बहन भाइयों से जो है रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है कई जगहें ऐसी भी हों जहाँ पे आपकी आंखें जो है वो बहना, हाँ बिल्कुल होंगी, कुछ इस तरह के सीन होंगे, लेकिन जो है ना बीच में ये एक चीज दिखाई हुई है कि एक केयरिंग भाई जो है वो किस तरह बहनों के बीच में और अपने लव के बीच में जो है चक्कर काट रहा है। यानी कि एक तो बहन की जिम्मेदारी है, हाँ उनकी और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो भी है। अच्छा बहने जो है चार बहने जिसमें से एक समझदार दिखाई हुई, तीन जो है ना वो थोड़ा सा होते हैं ना लापरवाह, हाँ टाइप, इस तरह की तीन बहने दिखाई हुई है कि उनकी परवाह ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आई थिंक कुछ लोग होते हैं जिनका बड़ा केयरलेस सा बिहेवियर होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी की जो जो वो सेक्रीफाइस करते हैं, जो वो आपके लिए हम कहेंगे कुर्बानियां दे देते हैं, तो सेक्रीफाइस वही हो गया ना मतलब जो भी वो आपके फेवर में कोई काम करते हैं तो उसको वो उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं करते। कुछ लोगों का इस तरीके का भी बहन भाइयों का एक रवैया होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपका ख्याल भी रखते हैं, उन चीजों को मतलब एक्नॉलेज करते हैं। तो मतलब वो मिक्स सारे इमोशंस मुझे लग रहा है इसमें दिखाए गए हैं। और जो एक लड़की की हम कहेंगे कि अपनी एक फिक्र होती है, जैसे कि भूमि का बीच में जिक्र किया गया, मुझे वैसे जब पहला शॉट आया ना मुझे बहुत फनी लगा था कि बचपन से इंतजार कर रही हूँ, मतलब कब डॉली है डॉली लेकर आओगे, अब बारात बताओ कब लेकर आ रहे हो, तो वो काफी ज्यादा मुझे फनी लगा। लेकिन देखा जाए तो उनकी भी जो चिंता थी वो सही थी, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो कुछ अरसे में रिटायर होने वाले थे, तो उनके पिताजी की भी चिंता सही थी कि अगर तुमने नहीं शादी करनी। वैसे पिताजी बहुत अच्छे थे कि वो लड़के को कह रहे थे कि भाई शादी करनी तो कर लो, नहीं तो मैंने अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले से कहीं और भी आ देना है। बीच में देखो, लेकिन उन्होंने भी बीच में ही बात की कि जहेज मेरे पास है, मतलब ये चीज जो है वो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में चाहे कम रह गई है पहले से, बट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कोई ना कोई पेरेंट्स। और मुझे लगता है कि इसको 0% पर आ जाना चाहिए कि यानी ऐसे केसेस होने नहीं चाहिए। लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी और उसमें हम लोगों ने पूछा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी ये सुनकर कि महाराष्ट्र में इस चीज का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब बहुत सारे हमारे कमेंट सेक्शन में हम लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हम लोगों को बताया था, और बाकी भी, और ये भी बताया था कि बहुत कम जगहों पर अब ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर लोग जो है वो मतलब जहेज को फेस करते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि 0% भी जो है ना मुझे लगता है कि होना चाहिए, जो एक दो माँ बाप हैं या कुछ परसेंटेज भी है ऐसे लोगों की, वो भी नहीं होनी चाहिए। ये हमने नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में भी तो ये चीज देखी थी जहां पर जो है लड़का जो है वो जहेज करता है और जो प्रॉपर्टी है वो लड़की को इनहेरिटेड होती है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे हमने जो वीडियो देखी थी। अच्छा वैसे जो है इससे पहले भी अगर बात करें तो अक्षय कुमार सर और भूमि जी की जो मूवी एक आई थी वो भी काफी अच्छी थी, उसमें भी एक यानी कि देखा जाए तो काफी एक अच्छा मैसेज दिया हुआ था टॉयलेट एक प्रेम कथा में। फिर उसके बाद पैडमैन जो है हमने एक मूवी देखी थी। अक्षय कुमार सर की अगर मैं मूवीज की बात करूं ना तो जो खासतौर पर सोशल इश्यूज पे बनी होती है मुझे बड़ा मजा आता है देखने का। उसमें जो है ना चीजों को इस तरह डिस्कस किया होता है कि ये नहीं कि आप सोसाइटी को टॉन्ट कर रहे हैं, आप सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी में मसले क्या हैं, उनके लिए जो है लोगों को एक आवाज उठाने की जरूरत है। अच्छा मुझे एक मेरे जहन में भी ऐसे बात आ रही ट्रेलर देखने के बाद, हालांकि पहले क्यों नहीं, मैं ये सोच रही थी कि अभी जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस चीज का बड़ा एक रिवाज है कि लाइक जो आपको जहेज है वो देना चाहे थोड़ा ज्यादा, मैं कहती हूँ थोड़ा दो ज्यादा दो बात एक बराबर होती है, तो क्या वेस्ट की दुनिया में भी होता होगा क्या? वहां पर जब शादी होती है तो क्या वो लोग भी जहेज लेकर जाती होंगी क्या? मेरा नहीं ख्याल, कभी देखा नहीं वहां पे, वहां पे यही देखा है बस, शादी होती है चर्च में जाते हैं वहां पे, वो जो उनका एक सेरेमनी होती है बिल्कुल, और बाहर आते हैं गाड़ी में बैठ के चले जाते, और लोग भी इतने ज्यादा नहीं होते हमारे यहाँ पे, तो पूरे पूरे खानदान में बुलाने पड़ते हैं, ना बुलाओ तो वो अलग एक सिनेरियो होते हैं, मुंह बने होते सारे, दोबारा मिलते नहीं। लेकिन वहां पे अगर देखे तो काफी डिफरेंट आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है। हाँ कभी सुना नहीं, लोग हैं शादियां होती है तो ऐसे जहेज इकट्ठा करके लेकर जाना होता है,
एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि ऐसे जो सोशल इश्यूज हैं, क्या मूवीज बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि उनको हाईलाइट किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, या लोग ऑलरेडी इतने समझदार हो चुके हैं कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं और कुछ और नए इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करने चाहिए, जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। क्योंकि इस मूवी का नाम है रक्षाबंधन और जो मूवी है वो 11 अगस्त को रिलीज हो रही है और इस साल में 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक तो टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं और दूसरा ये कि जो कॉन्सेप्ट मूवी में दिखाया गया जिस तरीके से कि लाइक मतलब जो भाई है वो किस तरीके से अपनी बहनों के लिए यू नो प्रोटेक्टिव होते हैं या वो किस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, आई थिंक वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इसके साथ मिलेगा।